वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको एकदम नया लग रहा होगा, तो अभी मैं एकदम नए घर में खड़ी हूँ। ये घर मेरे काका ससुर जी का है और अभी नया बना है। इसी के मुहूर्त के लिए हम जोधपुर से सुमेरपुर आए हुए हैं और इसी का होम टूर आपके साथ शेयर कर। कल हवन था और आज लंच है, तो आज मैं आपको इसका होम टूर देने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए, हमें जाना होगा बार, तो मैं स्टार्टिंग करूंगी बार के एंट्रेंस से। तो चलिए चलते हैं बार। तो मैं आप सबको ले जाती हूँ मेन गेट पर। तो चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं बार और यहाँ का ये है बार का व्यू। ये घर का बार का व्यू है। यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, 2 BHK का है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये है एंट्री गेट। जब हम घर में एंट्री करते हैं तो ये है पोर्च एरिया। यहाँ घर में एंट्री करने के 2 गेट रखे गए हैं, एक लिविंग रूम में और दूसरा हॉल में। ये पोर्च एरिया है, यहाँ से एक और एंट्री रखी गई है। हम एंट्री करेंगे लिविंग रूम से, और लिविंग रूम में एंट्री करते ही टीवी यूनिट है और सामने है सोफ़ा और वॉलपेपर लगा हुआ है। तो आप म्यूज़िक के साथ इस लिविंग रूम के व्यू को एंजॉय कीजिए। इस गेट से हमने एंट्री की थी। जब हम इससे बाहर जाते हैं तो मेन जो गेट है वो आ जाता है, और उसी के सामने जो पोर्च एरिया रखा गया है वहाँ से एक और एंट्री दे रखी है, जो मैं आपको अंदर से बताऊँगी। सामने आपको जो दिख रहा है वो हॉल है, और हॉल से जस्ट आगे किचन है। तो अभी हमने लिविंग रूम को देख लिया है, क्लासी वॉलपेपर है, टीवी यूनिट बहुत अच्छा है। अब हम एंट्री करेंगे हॉल में। तो ये जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था वो एंट्री यहीं से होती है। तो ये है सेकंड गेट जहाँ से घर में एंट्री होती है, और एंट्री करते ही जस्ट पास में है मंदिर जहाँ पे कुल देवी को विराजमान किया है, और ये है हॉल। तो यहाँ पे आपको हवन कुंड भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हवन किया था कल। और सामने है किचन जो ओपन किचन है, और इसके जस्ट पास में फर्स्ट मास्टर बेडरूम और ये है सेकंड बेडरूम। तो हम सबसे पहले जाएंगे किचन। तो किचन ओपन किचन है, और जस्ट किचन के आगे एक स्पेस रखा गया है जहाँ पर स्टोर रूम है, और स्टोर रूम के साथ ही वॉश एरिया, या आप कह सकते हैं इस एरिया को आप ड्राई एरिया कह सकते हैं, वॉश एरिया कह सकते हैं। और यहाँ पे ये स्टोर रूम, और स्टोर रूम के जस्ट ऊपर भी भकारी रखी गई है। आई थिंक भकारी बोलते हैं आप लोगों के भी, तो वहाँ पे भी थोड़ा स्पेस अच्छा है, आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। जब हम यहाँ से बाहर की तरफ एंट्री करते हैं तो ये है हॉल और वो सामने लिविंग रूम। तो अब हम लिविंग रूम से मतलब हॉल, ये है हवन कुंड जहाँ हवन हुआ था कल। तो अभी अभी हम खड़े हैं हॉल में, और लिविंग रूम के जस्ट पास में है सेकंड रूम जो आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ से जाएंगे आगे जाएंगे, तो हॉल में ही अटैच लेट बार दे रखे हैं, और लेट बार के पास जस्ट सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आप सूज रैक बना सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पर भी फर्नीचर बना के आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। और लेट बार के जस्ट पास में ये है बेसिन एरिया, और इसके पास में है सेकेंड बेडरूम। ये बहुत ही एंटिक लुक है, इस बेसिन का जो लुक है वो बहुत ही एंटिक है। तो इसके जस्ट नीचे भी फर्नीचर बना हुआ है, इस आले को कवर कर रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। अब हम जाएंगे फर्स्ट बेडरूम जो जस्ट बेसिन के पास वाला जो रूम था वहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर वॉलपेपर लगा हुआ था, और बहुत ही व्यू, इस रूम का भी जो व्यू है बहुत अच्छा था। ऊपर POP की हुई है, तो आप इस रूम के भी व्यू को म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। इस रूम से निकलते जो सामने आपको रूम दिख रहा है वो है मास्टर बेडरूम, तो वो रूम आपको मैं दिखा देती हूँ। इस रूम में अटैच लेट बाथ है, तो आप इस रूम को भी अच्छे से देख लीजिए।
मास्टर बेडरूम से निकलते ही उसके जस्ट पास में है सीढ़ियाँ। अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी दो रूम बने हुए हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है फर्स्ट रूम और वो हॉल है छोटा सा। तो पहले मैं आपको फर्स्ट रूम बता देती हूँ जिसमें छोटी सी बालकनी भी रखी गई है। ऊपर रूम्स में ऊपर अभी फर्नीचर का काम इनकम्प्लीट है। यहाँ पर मैं ये आपको खोल के बताती हूँ, छोटी सी बालकनी है और यहाँ से बाहर का जो व्यू है बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे वो लंच का प्रोग्राम है और वहाँ पर जो टेंट लगा है वहाँ पे खाना बन रहा है। तो हम इसे बंद कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं हॉल में। तो ये हॉल है और सामने जो है रैक बनी ये है सेकंड रूम। यहाँ पर लेट बाथ अटैच है और ये यहाँ पे रैक दी हुई है। अब हम चलते हैं सेकंड रूम में और सामने जो आपको गेट दिख रहा है वहाँ पे बहुत स्पेसियस बालकनी है और वो है अटैच लेट बाथ। यहाँ पर बहुत ही स्पेसियस बालकनी है और यहाँ पर जो यहाँ से अगर हम बाहर का व्यू देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और शायद रात में तो ये नाइट व्यू तो यहाँ से बहुत अच्छा होगा। इसे अच्छे इस बालकनी को अगर अच्छे से डेकोरेट किया जाए प्लांट्स के साथ तो ये बालकनी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पर है झूला जिसकी अभी रॉड्स लगी हुई है, झूला लगाना बाकी है। तो यस, इन्जॉय दिस व्यू। तो अभी हम आ जाते हैं बाहर और ये है हॉल। हॉल के जस्ट पास में जो गेट दिया है यहाँ पर पीछे की साइड में छोटा सा टेरेस एरिया है। जो ये सीढ़ियाँ दिख रही है सीधे जाती है टेरेस पे। तो अब हम जाएंगे टेरेस पे। सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन बिलो। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।